दर्शकों नमस्कार, सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। आज की हलचलों के साथ मैं आपके साथ हूं धर्मेंद्र भज। आइए सबसे पहले नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। ईसाई समुदाय कल मनाएगा प्रभु यीशु का जन्मोत्सव। आज कैरोल गाकर मनाई खुशियां। गुना में क्रैश स्कूल तथा वदना स्कूल के चर्च में हुई विशेष सजावट। कृषि उपज मंडी में 3 दिन से लगातार लाइन में लगने के बावजूद भी किसान को नहीं मिल रहा खाद, खाने पड़ रहे हैं बल्कि पुलिस के डंडे। किसान ने बताई अपनी व्यथा। विगत दिनों आगरा में 10वीं की छात्रा को जिंदा जलाकर मार देने के विरोध में गुना में डीएसओ ने आज मनाया प्रतिवाद दिवस। दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग। अटल जी के जन्मदिन के पूर्व आज अपर कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट में दिलाई सुशासन की शपथ। नगर पालिका में भी सीएमओ ने कर्मचारियों को सुशासन की दिलाई शपथ। भागवत कृषि फार्म में चल रही श्री वाल्मीकि रामायण में आज हुआ श्री राम जन्मोत्सव। पंडित रत्नेश जी महाराज के मुखारविंद से बह रही श्री राम कथा में बंधे श्रद्धालु। गुना में आज मुनि संघ का हुआ आगमन। महाराज के सत्संग आगमन पर साधारणी जनों ने उनकी की भव्य अगवानी। बमोरी में खाद को लेकर अन्नदाता हो रहा परेशान। किसानों ने आज अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। खाद की ब्लैक मार्केटिंग का भी लगाया आरोप। यातायात पुलिस ने आज शहर में दौड़ रहे ओवरलोडेड मैजिक वाहन पर की कार्रवाई, साथ ही 2 अन्य टैक्सियों पर भी की चालानी कार्रवाई। विधायक जयवर्धन सिंह के मुख्य आतिथ्य में एनएफएल में आज श्रीमती कमलाबाई की स्मृति में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। मधुसूदनगढ़ में स्वास्थ्य केंद्र पर शव वाहन के अभाव में 2 घंटे तक शव पड़ा रहा खुले आसमान में। परिजन रोते रहे, बड़ी मुश्किल से प्राइवेट वाहन के आने के पश्चात भेजा शव को गांव। 4000 का इनामी कोन्या कला कांड का सूत्रधार जसमान सिंह रावगढ़ पुलिस की गिरफ्त में। खाद को लेकर जिले भर में किसान अब भी लगातार परेशान हो रहा है। उन्हें मनमाफिक और समुचित खाद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लंबी लंबी कतारें आज भी दिखाई दे रही हैं। आज हमने कृषि उपज मंडी में जब एक बार फिर जाकर देखा तो खाद वितरण केंद्र पर किसान परेशान नजर आए। उनका कहना यह था 3 दिन से लगातार खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें पर्ची तक नहीं मिली है। हालात ये है कि खाद नहीं मिली, पर्ची नहीं मिली, लेकिन पुलिस के डंडे जरूर उन्हें खाने पड़ रहे हैं। मेरा नाम जगदीश यादव। क्या परेशानी आ रही है? आप खाद लेने आ रहे हो? खाद लेने 3 दिन से लाइन में लग रहे हैं, मतलब कोई पुलिस वाले डंडा देकर भगा देते हैं। 3 दिन कितने बजे लाइन में लग जाते हो आप? 6 बजे लग जाते हैं, बस 5-4 बजे जाते हैं तो भगा देते हैं। तो फिर अभी तक पर्ची नहीं मिली? अभी तक ना पर्ची मिली ना खाद मिला। और कुछ ब्लैक में भी दे रहे हैं? ब्लैक में दे रहे हैं 400 रुपया कट्टा, 500 को। कहाँ से आए हो? मैं माहौर गाँव। क्या नाम है? इसी प्रकार के हालात बमोरी क्षेत्र में भी है। बमोरी क्षेत्र में भी खाद को लेकर किसान परेशान हो रहा है। अन्नदाता लगातार लाइनों में लग रहा है। खाद के गोदाम होने के बावजूद भी खाद की उपलब्धता नहीं है, जिससे अन्नदाता परेशान है। आज इसी बात से नाराज होकर किसानों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की, साथ ही आरोप लगाया कि खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है खाद की, और ब्लैक में खाद खरीदने वालों को खाद आसानी से मिल रही है। गोदाम बाजारी पर खाद उपलब्ध होने के बाद भी हम किसानों को खाद उपलब्ध होने के बाद हम किसानों आपके साथ बगैर खाद के किसान पानी दे रहा मजबूरी में, और खाद उपलब्ध होने के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी खाद नहीं दे रहे हैं। किसान इस समस्या को लेकर के हम तहसीलदार साहब को अवगत कराने आए थे, यहाँ पर तहसीलदार साहब भी नहीं मिले, कोई भी कर्मचारी नहीं मिले। शासकीय गोदाम पर खाद नहीं मिलता क्या? जी नहीं मिलता है, गोदाम होते हुए भी नहीं मिलता है। अभी 3 बज गए, अभी तक खाद वितरण करने वाला अधिकारी अभी तक गोदाम पे आन के नहीं पहुँचा। खाद वितरण अधिकारी का नाम क्या है? खाद वितरण अधिकारी का नाम नायक करके है, नायक साहब करके, नायक साहब लगाते हैं वो। कल क्रिसमस डे है, क्रिसमस डे यानी प्रभु यीशु का जन्मदिन।
ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में जोरदार तैयारियां की गई हैं। गुना में भी ईसाई समुदाय पूरे उत्साह और उमंग के साथ, पूरी आस्था के साथ क्रिसमस डे को मनाने की तैयारियां कर रहा है। क्राइस्ट स्कूल स्थित चर्च और वंदना स्कूल के चर्च में विशेष रूप से सजावट की गई है, विशेष रूप से उसे सजाया गया है। विद्युत साज सज्जा भी शानदार तरीके से की गई है और रात 12 बजे के बाद ये दिन एक अपने आप में क्रिसमस डे के रूप में होगा और लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे। प्रभु यीशु के जन्मदिन से पहले ही कैरोल गाकर ईसाई समुदाय अपनी खुशियां प्रकट करता है और इसी तारतम्य में विभिन्न ईसाई परिवारों में आज कैरोल गाई गई और खुशियां मनाई गई। भार्गव कृषि फॉर्म में श्री वाल्मीकि रामायण और श्री रामकथा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। आज इस तारतम्य में श्री रामकथा के दौरान राम जन्मोत्सव का प्रसंग रहा और पंडित रत्नेश जी महाराज निकुंज के मुखारविंद से जब श्री राम कथा की गंगा बही तो उसमें जो भी दर्शक और श्रोता थे वे बंध गए। लगभग 3 घंटे तक लगातार मंत्रमुग्ध होकर साधर्मी जन सुनते रहे श्री राम कथा को और मनन करते रहे अपने जीवन का। आज रात रामलीला का भव्य प्रस्तुतिकरण होगा। हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारने से न मरे। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अमर हैं कि मरने वाले हैं? विचार करके बोलो। गुना में आज कुशाग्र नंदी जी महाराज के संघ के मुनि संघ का आज आगमन हुआ, जिसमें 1 मुनिराज और 3 आरिका माता जी का आगमन हुआ। इस मौके पर गायत्री मंदिर से ही जैन धर्म के साधर्मी जनों ने महाराज जी और माता जी की अगवानी की और इसके पश्चात गाजे बाजों के साथ उन्हें श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर ले जाया गया। वहां पर उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के दर्शन किए और उसके पश्चात प्रवचन दिए। विगत दिनों आगरा में 10वीं की एक छात्रा को सड़क पर जिंदा जला दिया गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई। इसी बात का विरोध करते हुए आज डीएसओ ने गुना में विरोध और प्रतिवाद दिवस मनाया। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी 2 दिन पहले हुई एक इसी प्रकार की घटना को लेकर यहां जो महिला संगठन थे और डीएसओ ने जबरदस्त रूप से अपना विरोध प्रदर्शन किया और कहा दोषियों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही शराब और अश्लील मैसेज जैसे जो भी अन्य साधन है जिनके माध्यम से इस प्रकार की कुरूतियां, इस प्रकार के जो अपराध होते हैं, उन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को सख्त लगाम लगानी चाहिए। आज छात्र संगठन डीएसओ के द्वारा आज प्रतिवाद दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। अभी लगभग 6-7 दिन पहले जो एक घटना आगरा के अंदर घटी थी, जहाँ पर एक 10वीं क्लास की छात्रा के साथ उसे जिंदा पेट्रोल डालकर जला दिया गया और उसके 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। ये बड़ी दुखद घटना है और इसी तरीके से अभी कल की आज की खबर है, उत्तराखंड में भी एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ वहाँ पर भी युवकों ने उसको पेट्रोल डालकर जला दिया। तो इसको लेकर छात्र संगठन डीएसओ विरोध कर रहा है और पूरे प्रदेश, पूरे देश भर में जिस तरीके से ये जो घटनाएं घट रही है ये शर्मसार करती हैं, हमारे देश की सुरक्षा को दिखाती हैं कि कहाँ, जहाँ हम एक लोकतांत्रिक देश में हमारे आज़ादी को मना रहे हैं और ऐसे में हमारे देश में बच्चियाँ छात्राएं सुरक्षित नहीं और लगातार इन पर अपराध कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं आज विरोध प्रदर्शन करके कि ये जो अपराध हुआ है इसमें उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को उदाहरणमूलक सजा दी जानी चाहिए और सरकार को अश्लील वेबसाइट, शराब, नशे पर पूरी तरीके से रोक लगाना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम शोभना श्रीवास्तव। गुना में आज यातायात पुलिस ने उन वाहनों पर कार्रवाई की जो ओवरलोडेड थे। आज एक मैजिक वाहन हमने देखी, देखिए किस प्रकार से इस वाहन जिसमें क्षमता से अधिक सामान गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है, पुलिस ने इसे रोककर इस पर चालानी कार्रवाई की। इसके साथ ही साथ अन्य 2 टैक्सियां भी यातायात पुलिस की चालानी कार्रवाई की जद में आ गई। एनएफएल के पालिका बाजार में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्रीमती कमला देवी की स्मृति में श्री पप्पू जैन द्वारा यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इस रक्तदान शिविर के शुभारंभ के लिए पहुंचे रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। उन्होंने सबसे पहले दीप जलाकर और अपने उद्बोधन के साथ इस आयोजन की शुरुआत की और इसके पश्चात युवाओं ने अपने अपनी तरफ से
रक्तदान किया। कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी का जन्मदिन है, उनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कल क्रिसमस की वजह से चूंकि अवकाश होगा इसलिए आज विभिन्न विभागों में सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर गुना कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर श्री ए के चांदिल ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। इसके साथ ही साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी उनकी ही कुछ पंक्तियों के साथ याद किया। गुना में नगरपालिका में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुशासन की शपथ ली और नगरपालिका के अधीक्षक ने इस मौके पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। जिले भर के विभिन्न अन्य विभागों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों के सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में शपथ लेने के समाचार हमें प्राप्त हुए हैं। मधुसूदनगढ़ स्थित स्वास्थ्य केंद्र में आज एक शव को लगभग 2 घंटे से ज्यादा आसमान के नीचे पड़े रहना पड़ा। असल में हुआ यह था कि दीवान सिंह के पिता सूरज सिंह की तबीयत खराब हो गई थी, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, लेकिन अचानक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और इस दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इसके पश्चात तो उस शव को ले जाने के लिए 2 घंटे तक कोई शव वाहन नहीं मिला। परिजन भी लगातार परेशान होते रहे, रोते रहे। हमारे सहयोगी टोनीशान ने हमें बताया है कि स्वास्थ्य केंद्र पर लगातार 2 घंटे तक रोने के बावजूद भी जब शव वाहन उपलब्ध नहीं हुआ तब उन्हीं के एक रिश्तेदार आए, जो कि सूरज सिंह के रिश्तेदार थे, वे एक प्राइवेट वाहन अलग से लेकर आए, तब जाकर शव को उसके गांव रायपुरा भेजा गया। हम आपको यह भी बता दें कि जिस समय यह पूरा वाकया हुआ था उस समय स्वास्थ्य केंद्र की 2 एम्बुलेंस वहां खड़ी हुई थी, जिन्हें इस कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाने दिया गया। 4,000 रुपए का इनामी बदमाश और कोकनिया कला का सूत्रधार जसवान सिंह को रावगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वह सूत्रधार है जो श्री सप्रे हत्याकांड में लिप्त था और उसका सूत्रधार माना जाता है। 1.25 करोड़ रुपए की हुई डकैती के मामले में पुलिस को चौथे आरोपी की तलाश थी। 6 में से 4 आरोपी को पुलिस ने जयपुर के पास से गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी हम आपको बता दें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बावजूद भी अब तक 1,20,00,000 रुपए की राशि में से पुलिस को 5,00,000 रुपए भी प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी 4 अपराधियों को पकड़ने के बावजूद भी गुना पुलिस अब तक खाली हाथ है इस पूरे डकैती कांड में। 28 दिसंबर से गुना के संजय स्टेडियम पर शुरू होगी अखिल भारतीय T20 लेदर बॉल चैंपियंस ट्रॉफी। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए गुना की 2 टीमें रहेंगी, वहीं दिल्ली, आगरा, भोपाल, शिवपुरी सहित 12 ख्याति प्राप्त टीमें भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी और अपने शानदार प्रदर्शन से गुना के सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीतेंगी। तो दर्शकों, आज की हलचलों में अब बस इतना ही। कल फिर नई हलचलों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी धर्मेंद्र बज को दीजिए अनुमति। आइए अब आपको ले चलते हैं हमारे कार्यक्रम बिजनेस प्लस की दुनिया में। हमारे कंप्यूटर एडिटर कैलाश कुशवाहा, कैमरामैन देवेंद्र और पवन कुशवाहा के साथ।